मेरे अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब बच्चों को रमज़ान की मुबारक हो, और जो हमारे आबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं कैमरा के साथ, उन सब को भी मुबारक हो। जो भी ख़वातीन व हज़रात, बच्चे बच्चियाँ दुनिया में जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको मेरी तरफ से रहमतों वाले महीना की मुबारक। रमज़ान कैसे शुरू किया गया, अगर उसके बाद कुछ वक्त मिला तो फिर जो आज तिलावत हुई है उसके भी चंद बातें अर्ज कर दूँगा। लेकिन हम एक सफ़र शुरू करने लगे हैं, तो हमें पता तो हो कि इस सफ़र की मंजिल क्या है और इसे तय कैसे करना है। एक फरिश्ता ऐलान करता है, नेकी करने वाले आगे बढ़, तुझे बशारत हो। दूसरा फरिश्ता ऐलान करता है, बुराई करने वाले बस कर और वापस हो। तो मेरे नबी का फरमान है कि अगर लोगों को रमज़ान की कीमत का अंदाज़ा हो जाए तो ये तमन्ना करते कि सारा साल ही रमज़ान हो। रमज़ान में जो मर जाए उसकी बख्शिश हो जाती, उसका हिसाब नहीं होता, हिसाब नहीं होता ना। तो किसी ने मुझसे पूछा, बाद में होता है? मैंने कहा, अल्लाह ताला कोई हमारी तरह, अल्लाह तो रहीम व करीम है, एक दफ़ा छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ये थोड़ा गुणा आ जाओ भाई ज़मानत कैंसिल हो गई है दोबारा पा दे। ये तो दुनिया के दस्तूर, जब उसने एक दफ़ा कहा चाओ। तो ये बहुत मुबारक महीना है। पहली तैयारी क्या है, मैं आप सब से एक बात पूछता हूँ। दुनिया में कोई गुनाह ऐसा है जिस पे तौबा ना हो सकती हो? अल्लाह नहीं नहीं, जितनी मर्जी तौबा कर नहीं माफ करूं। कोई है? क्यों भाई? कोई गुनाह, मुसलमान कर रहा है, गैर मुस्लिम कर रहा है, एक हदीस को जोड़ के कि मेरा अल्लाह फरमाता है कि अगर मैं दुनिया में किसी को अजाब देता नकद तो सबसे पहले उसे अजाब देता जो मेरी रहमत से मायूस है। ठीक हो गई? दुनिया में कोई जुर्म ऐसा नहीं जिसकी तौबा ना हो, जिसकी माफी ना हो। तो हम अपनी जात से शुरू करें कि आज तक हमसे जितनी खताएं हुई, कोई ज़बान की, कोई आँखों की, कोई कानों की, कोई मामलात की, कोई मुआशरत की, उस सब से हम आज पहली रात है तौबा कर। तो हम जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, हम अपने रमज़ान की इब्तदा करें तौबा कर। ठीक है ना? अल्लाह ताला के नबी कहते हैं, मैं दिन में 70 दफ़ा तौबा करता हूँ, इस्तग़फ़ार। अब तो मासूम पाक पाकीज़ा उम्मत को सिखाने के लिए। दूसरा काम सामईन और आप हाजरीन, कि हम औरों की नफ़रत से भी दिल को साफ करते हैं। हम चाहते हैं ना अल्लाह हमें माफ़ कर दे, तो हम हर एक के लिए यही चाहें कि अल्लाह इसकी उसको माफ़ कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह।